ऐसा है। अच्छा आज सुबह उठे हैं, कितने बजे उठे हैं आज? 7:30 में उठे हैं। उसके बाद पूरा क्लीनिंग किया, पोछा नहीं लगाया, बस झाड़ू ही लगाया उस किचन में। खाना बनाया, चटनी बनाया है और बैंगन गोभी की सब्जी बनी है और रोटी। हम लोग रोटी ही खाते हैं ज़्यादा ना, तो इसलिए रोटी बनाया है और चटनी है धनिया सॉरी यार, धनिया का पत्ता का चटनी। तो अब ये मुझे दानी ही गिरा हुआ ऊपर से। तो सोचो कि आपसे बात कर लूँ और चाय भी पी लूँ अपना। ठंड हो गई थी और तबीयत भी खराब हो गया, तो मेरा तो कुछ मन नहीं कर रहा था करने के लिए कि क्या करे क्या नहीं। नहीं तो आज बस जैसे मिसमैच करके, तो आपको पता ही हम मिसमैच करके ज़्यादा ही कुछ डालते हैं बॉडी पे। तो ये है, आप कोई भी कपड़े को रियूज़ करना चाहते हैं तो आप ठंडी में अंदर में टी शर्ट हो, छोटे छोटे टॉप्स हो, वो डालकर स्वेटर पहन सकते हैं, अच्छा रहता है। कपड़ा भी आपका यूज हो जाएगा और बॉडी भी गर्म हो जाएगी और हाँ स्वेटर भी हो जाएगा तो अच्छा से कवर भी हो जाएगा होल बॉडी। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, अभी अंदर में टी शर्ट डाल रखी है, ऊपर से टॉप है और नीचे पटियाला पहन लिए, हो गया यूज हो जाएगा। आप कपड़ा क्या वेस्ट करना, फालतू का इतना सारा कपड़ा ले लेते हैं और यूज होता ही नहीं, तो इसीलिए सोचे कि यूज कर देते हैं उसको। चाय पीना बहुत अच्छा लगता है, आई लव इट। चाय, हमको चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। और आज फेस पे कुछ भी नहीं लगाया, बस कोकोनट ऑयल लगाए हैं और कुछ भी नहीं, मन नहीं किया है, मन कुछ ठीक था भी नहीं देख रहा पूरा मेरा, इसीलिए नहीं कुछ किया। अभी कपड़ा सब रखा हुआ, सब कपड़ा वहाँ से जो गांव से कपड़ा सब लाया था उसको सब अच्छा से रेडी करके सब रख दिए, अच्छे से सब पैक हो गया। और सब कपड़ा सब बाहर जो सब का आयरन करना है, हमको आयरन करने का एकदम बिल्कुल भी मन नहीं करता, लेकिन बट काम है तो करना ही पड़ेगा ना, काम प्लस पढ़ाई है, सब करना है। अपना पढ़ाई नहीं, बच्चे का पढ़ाई है। मन करता है कुछ देर तक सो लो तो थोड़ा सा रिलीफ लगेगा। जाड़े बाहर से कंबल लाने, कंबल रख दिए थे कि थोड़ा सा गर्म हो जाता है ना तो अच्छा रहता है, तो बाहर रख दिए थे सूखने के लिए कंबल। हो गया तो सोचे अब याद कर लिया थे और सोच रहे हैं यहाँ जो रखा हुआ है बाबी डॉल, ये बाबू के लिए आया था, यहाँ से हटा देते हैं ना क्योंकि यहाँ से दिखाई भी नहीं देता और अच्छा भी नहीं लगता, यहाँ पे पता भी नहीं चलता यहाँ है कि इसको सोच रही हूँ कि कहीं और लगा दूँ, कहाँ लगाऊँ, कहीं पे फ्रंट पे लगाना पड़ेगा उसको, वहाँ टांगना पड़ेगा छोटा सा होल करके, नहीं तो इसको सोच रही हूँ कि अच्छे से
ट्रंक में ही रख दूँ, ठीक रहेगा, गंदा भी नहीं होगा। इसका ऊपर जो रैपर था वो भी फट गया पूरा। और ठंडी में कॉफ़ी रख के चाय पीने में और मज़ा आता है, गर्म गर्म हो जाता है पूरा बॉडी और कुछ रिलीफ मिलता है। इतना सारा कहाँ, आज बेड भी नहीं किया, पूरा बेड वैसे ही बिखरा पड़ा है, ऐसे नहीं किया वैसे ही। आज तो उस रूम का, पूजा रूम वाला रूम का बेड सेट सब क्लीन किए, साफ किए हैं उसको। अब सोचे हैं कि इस रूम में का और बाहर जो बरांडा है उस पर का कल साफ करेंगे। अब तो ठंड के मौसम आ गया तो और से प्रिया पता है, और बीमारी भी और ज़्यादा बढ़ने लगा है एकदम से। चाय पी लिए तो मन कर रहा है कि सो जाए। 3 बज गया, 3:30। यहाँ पे कैमरा लेती हूँ, सिलते रहते हैं। मैं तो ये सही नहीं है, ऊपर नीचे जगह हो जाता। अब भी नहीं रखेंगे, अब इसको बाद में रखेंगे, पहले चाय पी लो उसके बाद कुछ काम करेंगे। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, कैसा लगा प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। यह था मेरा आज का ब्लॉग, कैसा लगा प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम कुछ नहीं किए हैं, बस फेस पे आपको बस पहले ही बता चुके, कोकोनट ऑयल है, कुछ भी नहीं। ये मेरा है रियल फेस विदाउट मेकअप, सो बोरिंग लगता नहीं यार चेहरा, लेकिन फिर भी अपना अच्छा है। तो कैसा लगा वीडियो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बाय। रोटी बनाने दिखाती हूँ आपको। और ये आटा गूंथ लिए हैं, जल्दी सुबह का भी बचा हुआ था थोड़ा सा आटा, ये सुबह का थोड़ा सा बचा हुआ था तो थोड़ा सा सोचे क्या। एक्चुअली हमको ना आटा का ना अंदाज ही नहीं मिलता है कि कितना गूंदना है कितना नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जाता है। जा रही हूँ बस रोटी बनाने, सब्जी है ही तो सब्जी तो बन गया, तो बाद में बोले ये हो गया। अरे ये
ये है टॉप में किचन रोटी बनाना है, थोड़ा सा रोटी बन जाएगा उसके बाद हो जाएगा। ठंडी है ना घर में भी, पूरा खिड़की भी बंद कर दिए, किचन का बहुत ज़्यादा रहता है, इतना फ्रेश ड्राई हो गया ना, फिर मेरा वो लिफ्ट कितना सूज गया पूरा लगता है ना, मुझसे फील हो गया तो इसलिए खांसी से नहीं सर्दी खांसी से भी हो जाता है इसलिए। बाबू मैगी खा रहा, बोला है मैगी बनाने के लिए, तो उसको मैगी बना कर दे दिए हम, कह रहे रोटी बनाने वो प्लेट लेना है। हाउ फ्रेंड्स, बिना वीडियो स्टार्ट किए हुए कि मुझे पता है ऑलरेडी चालू है। अल्लो मतलब अल्लो यार रात में हम एएस गेमिंग का वीडियो देख रहे हैं, लाइव चल रहा है, जाओ देखा मेरा नाक टाइम हो गया। यहाँ पे ना कैमरा रखूँगी तो वहाँ से कुछ पता ही नहीं चलता है। ये सही है ना, इसे करके थोड़ा सा ऐसे, ये सही सही अब ये और ये दाल रोटी बनाने इस पर हमसे बनता नहीं है तो इसलिए हम इस पर नहीं बनाते, इस पर जितना लंबा हो जाता बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता तो इसलिए हम नहीं बनाते, हमेशा ये चकला ही लेकर बनाते हैं, नीचे नहीं बनाते। ज़्यादा रोटी बनाना है नहीं, थोड़ा सा बनाना और डोली है बचा हुआ, ये आटा कुछ कुछ हुआ था तो सोचे पहले उसको बना लेते उसके बाद में। ऐसे थोड़ी देर पहले आटा गून लें उसके बाद छोड़ देने के बाद आटा ऐसे सॉफ्ट हो जाता है, हमको उतना टाइम मिलता नहीं कि आटा गूँ लें आप छोड़ दें, हम ऐसे ही गूनते हैं और बना लेते हैं। हाँ कभी कोई टाइम होता है तब गून के आप छोड़ देते हैं, नहीं तो ऐसे ही हम गून के ही बनाते हैं रोटी। तुलसी का काढ़ा पी बुआ, गेट लॉक किया है, गेट लॉक है रोटी बन जाता तो एक बहुत बड़ा हेडेक खत्म होता है, इस पे दूध चढ़ाया मैं।
दूध है।